उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने गाजियाबाद से साहिबाबाद के बीच रेल से लैपटॉप मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर मौके से चार लोगों को धर दबोचा, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी के लैपटॉप मोबाइल बरामद किए। रेलवे पुलिस अधिकारी सुदेश गुप्ता ने बताया कि चोरी करने वाले गैंग गाजियाबाद इलाके में काफी दिनों से सक्रिय था, जिसकी चोरी की शिकायतें बार बार पुलिस को मिल रही थी, जिसका एसपी ने टीम गठित कर पर्दाफाश किया और मौके से चार सदस्यों को हिरासत में ले लिया, जबकि इनके साथ ही पुलिस की सूचना मिलकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आदिल सरताज महमूद आलम इंतजार बिहारी के रूप में हुई है। एसओजीआरपी गाजियाबाद को निर्देश प्राप्त हुए थे कि पिछले माह 10-12 लैपटॉप चोरी हुए हैं ट्रेनों में और ये गैंग सक्रिय है। इस पे कार्य करते हुए थानाध्यक्ष जीआरपी श्री सतीश कुमार द्वारा अपनी टीम को मुखबिरों के साथ गठित किया गया और इससे हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जब चार अभियुक्त जो लैपटॉप चोरी करते थे और लैपटॉप खरीदते थे वो गिरफ्तार किया गया है। तीन अभियुक्त अभी फरार हैं। इनसे 6 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क, 4 लैपटॉप चार्जर, कुछ दस्तावेज व एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इससे हमारी करीब 7-8 घटनाओं का अनावरण हुआ है। आने वाले समय में प्रतीत होता है कि इस गैंग के पकड़े जाने से जो लैपटॉप चोरी हो रही थी उस पर अंततः अंकुश लगे। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत दस्तावेज फाइल बरामद की और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।